गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ट्रेन. मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन अभी जो स्टेशन आया है वो बादशाहपुर का था. एक अच्छी स्लीप हुई रात को ट्रेन में, बड़ा कंफर्टेबल मैं सोया हूँ. रात को डिनर किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया, और अब अभी जब मैं उठा तो ये बादशाहपुर का रेलवे स्टेशन था. मुझे आइडिया नहीं मैं कहाँ पे हूँ, और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ. बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन है, enjoying well, और कल इंशाल्लाह अपने मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा. बड़ी खुशी है मुझे पाकिस्तान पहुंचने की, बड़ी एक्साइटमेंट है. आफ्टर अ लॉन्ग ट्रेवल आई एम गोइंग बैक टू माई होम, और वंडरफुल जर्नी रही. अभी लॉन्ग वे टू गो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी पहुंचने में. खुद ही मैंने ट्रेन सेलेक्ट की थी कि ट्रेन के ज़रिए मैं जाऊँ और थोड़ा सा देखूं. ये दूसरी साइड है ट्रेन की, ये स्टेशन का प्लेटफॉर्म था इस तरफ, और ये बादशाहपुर है. ये बोर्ड लगा हुआ है, मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि ये बादशाहपुर है, वो बोर्ड है. और इस वीडियो में मैं जो जर्नी है ट्रेन की, वो उसके कुछ वीडियोस, ग्रीनरी है, ट्रेन चल रही है. मेरी सुबह आँख खुली है तो दोनों साइड पर मैंने देखा के फील्ड्स हैं, बड़ी अच्छी अच्छी और ग्रीन फील्ड्स हैं, और वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा. ये देखें, आप मेरी बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं, और अच्छी जर्नी जा रही है, बड़ी कंफर्टेबल है, और आपको ये वीडियोस में दिखाऊंगा.
हर थोड़ी देर बाद ये सफाई के लिए आते हैं। बहुत ज़बरदस्त सफाई का निज़ाम है, बाथरूम आपके कंपार्टमेंट्स ये हर थोड़ी देर बाद साफ़ सुथरे होते हैं। ये बड़ी अच्छी जर्नी है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रेन की, और ये आज मेरा दिन का पहला वीलॉग है। और बादशाहपुर जब मैं उठा तो बादशाहपुर आया था, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू किया है, थोड़ी सी वीडियोस शूट की है वो इस वीलॉग में आप देखेंगे। से निकले हैं, ये अब लंच टाइम हो गया है। मैंने अभी पूछा कि लंच कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा जी लंच फ्रेश तैयार हो रहा है, तो जो ही तैयार होता है तो आपको सर्व करते हैं। ये मेरा मॉर्निंग का पहला वीडियो था जो मैंने आपको दिखाया। जितना मैंने ट्रैवल किया है साथ साथ ग्रीनरी पाकिस्तान के अंदर, जब मैं ट्रेन में यूज़ टू ट्रैवल इन ट्रेन, तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हमारी अपनी जो ट्रेन हैं, ग्रीन लाइन है, तेज़गाम है, अवाम एक्सप्रेस है, बड़ी अच्छी कंफर्टेबल ट्रेन हैं। और उसके साथ साथ जो ट्रेन ट्रैवल करते हैं साथ साथ ग्रीनरी नज़र आती है, और सेम मुझे यहाँ पर भी, अब किस स्टेट से हम गुजर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन ये स्टेशन गुज़रा है। और उससे पहले आपने वीडियोस देखी होंगी कि ग्रीनरी थी दोनों तरफ, फील्ड थी, बड़ी बड़ी बागात थे, और काश्तकारी यानी फार्मिंग ज़्यादा थी इस इलाके में। और अब हम मूव कर रहे हैं आगे की डेस्टिनेशन के ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊंगा अगला भी जो डेस्टिनेशन आएगा वहाँ से मैं शुरू करूंगा अपनी वीडियो को, और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें आपको मैं दिखाऊं। मैं अगर इस व्यू को आपको इस तरफ से भी दिखा रहा हूँ तो ये भी व्यू है, ये देखें, ये इस तरफ भी ट्रेन खड़ी हुई है। सॉरी ये व्यू देखें आप, बहुत सारी ट्रेन्स हैं और बड़ा अच्छा सफ़र है। सॉरी यार, बड़ा अच्छा सफ़र है, आप देख रहे हैं कि बड़ा प्लेजेंट, और पीछे ये आपको ट्रेन्स भी नज़र आ रही होंगी, आबादी भी साथ साथ है। और ये देखें, अपने इस वीलॉग को मैं यहाँ पे अब एंड करूँगा। बहुत लंबी ट्रेन है और बड़ी अच्छी क्लास के अंदर सीट्स हैं, बड़ा कंफर्टेबल जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है बट वेरी कंफर्टेबल। सिर्फ ये ट्रेन में बैठने के लिए मैंने इस जर्नी को सिलेक्ट किया था क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते थे कि ट्रेन में आप ज़रूर ट्रैवल करें, ट्रेन का एक्सपीरियंस लें, और वो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखें, ये ट्रेन के साथ साथ एक शहर है, हम उस शहर से एग्ज़िट कर रहे हैं, तो आपको पीछे सारी आबादी भी नज़र आ रही होगी, सारा रेजिडेंशियल एरिया भी नज़र आ रहा होगा। मेरी उस साइड के ऊपर भी यही पोजीशन है, अगर मैं उधर से आपको दिखाऊं तो वो साइड भी सेम वही है, और इस साइड के ऊपर भी यही है। सो वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और अब्बास शबीर को ट्रेन से इजाज़त दीजिएगा क्योंकि मुझे शहर का पता नहीं है, तो इसलिए मैं ट्रेन के अंदर हूँ, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। लंच के बाद मेरा कोशिश होगी कि मैं दोबारा से एक और वीडियो शूट करूं और जो व्यूज़ हैं वो आपको मैं दिखाऊं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यार में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ने कृपा।